हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके फॉर जीनियस चैनल में। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बगल में है घंटी, उसको दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। निम्न में से कौन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कभी कभी कब्ज से राहत देने और अपच, खट्टी डकार और अम्लता दूर करने के लिए एक एंटासिड के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1950 में भारतीय संसद में निवारक निरोध विधेयक पेश किया? हु अमंग द फ्लोइंग इंट्रोड्यूस द प्रिवेंटिव डिटेंशन बिल इन 1950 इन द इंडियन पार्लियामेंट? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में भारतीय संसद में निवारक निरोध विधेयक पेश किया था। पहला निवारक निरोध अधिनियम 1950 में पारित किया गया था। इस अधिनियम की वैधता को गोपालन वर्सेस मद्रास कोर्ट मामले में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ प्रावधानों को छोड़कर संवैधानिक रूप से इस अधिनियम को वैध ठहराया था। ट्रिटियम निम्नलिखित में से किस तत्व का आइसोटोप है? ट्रिटियम इज एन आइसोटोप ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ट्रिटियम हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी आइसोटोप है। इसमें दो न्यूट्रॉन होते हैं, जहां हाइड्रोजन में एक भी नहीं न्यूट्रॉन होता, जो ट्रिटियम को अस्थिर बनाता है और इसलिए यह रेडियोधर्मी होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल। निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल। द जोनल काउंसिल हैव बीन इस्टेब्लिश बाय द स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट 1956। जोनल काउंसिल आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। व्हाट परसेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड इज प्लाज्मा? मानव रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 55%। रक्त प्लाज्मा पूरे रक्त का तरल घटक है और कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% होता है। रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स प्लाज्मा के भीतर निलंबित रहती है। वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? वज्र प्रहार इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया और यूनाइटेड स्टेट की है। ठीक है, वज्र प्रहार। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 10वां संस्करण 13 अक्टूबर को सिएटल में संयुक्त बेस लुइस मैककार्ड में शुरू हुआ था और यह 28 अक्टूबर तक चलेगा। यह एक विशेष फोर्स संयुक्त परीक्षण अभ्यास है, जो कि बारी बारी से भारत और अमेरिका में आयोजित किया जाता है।
हु वॉज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा की संसदीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संसदीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष बने। प्रोफेसर हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के अध्यक्ष बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन ऑन हीटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म किए जाने पर उदरपातन की प्रक्रिया क्रिया से नहीं गुजरता? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जिंक, जस्ता। पदार्थ को उदरपातन की क्रिया से गुजरते हैं वो है शुष्क बर्फ, आयोडीन क्रिस्टल, नेप्थलीन और कपूर। द हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट विंसन मैसिफ। माउंट विंसन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 4,892 मीटर है। अब फीट में हो जाएगी 16,050 फीट। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, किसे भारत का नया वित्तीय सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अजय भूषण पांडे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।